आगे बढ़ते हैं फाइनली सेक्शन वन एटी रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्शन वन एटी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज दिस इज़ ओनली 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 फॉर पब्लिक कंपनीज़ नॉट फॉर प्राइवेट कंपनीज सबसे पहली चीज़ दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इट इज़ ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज एंड नॉट फॉर प्राइवेट कंपनीज ओवर देयर ये पहली चीज़ है दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चार एक्टिविटीज़ दी गई हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये चार एक्टिविटीज करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले सबसे पहले शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन एंड दिस इज प्रायर स्पेशल अप्रूवल एंड बीओडी कैन डू द एक्टिविटीज आफ्टर टेकिंग द प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन सो और नीचे भी लिखा ही हुआ है सो लिस्ट ऑफ फोर एक्टिविटीज विच आर एक्सरसाइजेबल बाय बी ओडी विद द प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ़ द मेंबर्स मेबर्स से पूछकर अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ सेक्शन 180 को मैं क्या बोलूं इट इज दीज आर द फोर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइजेबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स या फोर पावर्स ऑफ मेंबर्स इसको क्या बोलूं फोर पावर्स ऑफ बी या फोर पावर्स ऑफ मेंबर्स फोर पावर्स ऑफ बी ओ डी एक्सरसाइजेबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एस आर या ये बोलूं फोर पावर्स शेयर होल्डर्स की हैं क्या सही तरीका है बोलने का फोर पावर्स किसकी हैं आंसर देना बी या मेंबर्स बस इतना बता दो आप मुझे चैट में बीओडी की पावर्स हैं ये चार या मेंबर्स की पावर है चार क्योंकि इसमें ही बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बी या मेंबर्स किसकी पावर्स हैं चलिए आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग द आंसर्स कुछ लोग बी कह रहे हैं कुछ लोग मेंबर्स कह रहे हैं बी कहने वाले ज़्यादा हैं मेंबर्स कहने वाले कम हैं अभी मिक्स्ड रिएक्शन इज़ कमिंग तो भाई पावर्स तो बी ओ की हैं वो बारिश हो गई है बी ओ डी बी तो आंसर इज करेक्ट आंसर इज पावर्स बी की हैं दे आर एक्सरसाइजेबल बाय द बी ये चारों पावर्स बी एक्सरसाइज करेंगे ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एसआर तो ये कहना गलत है दीज आर द फोर पावर्स ऑफ मेंबर्स ये कहना बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है बाकी आप तो मतलब अपने तर्क वितर्क इल लॉजिकल भी कुछ भी लगाते रहते हो वो तो पता है मुझे अल्लाह और फिर चैट में लिखते भी रहते हो इ लॉजिकल चीज़ें लेकिन लॉ मेकर की तरफ से बड़ा क्लियर है दीज आर द लिस्ट ऑफ़ फोर पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द बीओडी पावर्स ऑफ बीओडी और रिस्ट्रिक्शन uh, ज़रूर है पावर्स किसकी हैं बी की रिस्ट्रिक्शन क्या है शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पहले लेना है लेकिन लॉ मेकर ने टाइटल में ही बोला है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बी तो लॉ मेकर ये थोड़ा ना कह रहा है पावर्स ऑफ मेम्बर्स सो विल आल से इसलिए अपने लॉजिकल्ट जो उल्टे पुल्टे नॉन सेंस वे होते हैं ना वो अपनी जेब में ही रख लिया कर वो ज्यादा अच्छा रहेगा देन गोइंग ऑन फर्दर विल द लिस्ट ऑफ फोर पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द मेम्बर्स बाय और फोर पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द बी ओ डी विल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय एस आर एंड देन आल से गोइंग ऑन फर्दर अब इसमें पहली पावर और मैं अगर इसको यहाँ पर नाम दूँ तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन वन एटी सब सेक्शन वन क्लाज ए के बारे में अगर क्लाज वाइज याद हो जाए तो दी बेस्ट क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछते हैं ना सेक्शन वन एटी सबसेक्शन वन क्लॉज है और पावर क्या है टू सेल टू लीज अदरवाइज डिस्पोज ऑफ़ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ़ द अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग्स यहाँ पर मैंने सिंगुलर भी लिया है और प्लूरल भी लिया है वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी में एक सिंगल अंडरटेकिंग है तो उसकी बात हो रही है द होल ऑफ़ हंड्रेड परसेंट अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग या फिर हो सकता है कंपनी में दो अंडरटेकिंग्स हो या दो से ज़्यादा हों तीन हों चारों हो, और उनमें से कोई एक अंडरटेकिंग वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेचना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं या लीज पे देना चाहते हैं या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ़ करना चाहते हैं इसमें यूसुफ फ्रक्चुरी मॉडगेज जा आ जा जाता है जिससे यूसुफ फ्रक्चुरी मॉडगेज का मतलब जिस uh, एसेट से इनकम जनरेट हो रही है आप उस इनकम को भी मॉडगेज कर रहे हो यूसुफ फ्रक्चुरी मॉडगेज याद होगा आप लोगों को थोड़ा सा शायद रेगुलर uh, बैच में तो मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ उसमें तो वेल दैट इज़ डिस्पोज ऑफ कैर एनी हाउस एग्जाम में तो बात सेल पे ही करते हैं ये लोग नॉर्मली एग्जाम क्वेश्चन तो सेल 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 पे ही आता है वेल well, तो कहानी यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या तो सेल करना चाहते हैं या तो लीज पे देना चाहते हैं या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं या तो हंड्रेड परसेंट अंडरटेकिंग होल ऑफ द अंडरटेकिंग या फिर सब्सटेंशली द होल तो अब इन दो चीज़ों में हम जाने वाले हैं कि इन दो चीज़ों का क्या मतलब है इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर मैंने आपके नोट्स में थोड़ी जगह ना खाली छोड़ी है अंडरटेकिंग का मतलब क्या और सब्सटेंशली द होल ऑफ़ द अंडरटेकिंग का मतलब क्या तो अंडरटेकिंग का मतलब एक ऐसी यूनिट जिसमें आपकी नेटवर्थ का कितना लगा है मालूम या वो कितना इनकम जनरेट करती है आपकी कंपनी का तो आपको यहाँ चार्ट वाइज फॉर्म में दिखा देता हूँ पहले और फिर लिखवाऊंगा भी यहाँ पर साथ साथ लिखेंगे भी एक ऐसी यूनिट जिसमें कंपनी की नेटवर्थ का मोर देन ट्वेंटी परसेंट लगा हुआ है मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट या फिर एक्जैक्ट ट्वेंटी ऑफ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उस अंडरटेकिंग से जनरेट होती है उस यूनिट से तो उस यूनिट को अंडरटेकिंग मान लिया जाता है तो आई रिपीट दैट इफ पब्लिक कंपनी है

इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरटेकिंग और दो क्राइटेरिया क्राइटेरिया वन क्राइटिरा टू और बीच में दिया हुआ है और तो जो अंडरटेकिंग दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दे वो अंडरटेकिंग मान ली जाएगी सो वेल कम बैक टू दिस चार्ट चार्टन सेकेंड यहां पर लिखना चाहूंगा मैं अंडरटेकिंग मीन्स अ यूनिट विच इन विच In which the company has invested how much? In which the company has invested exact 20% or more than 20%. Exact, bhai, more than 20% of net worth of the company, undertaking hai. or net worth as per the balance sheet of the previous financial year, or a unit which generates. एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट और मोर देन ट्वेंटी इनकम ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो नेटवर्थ वाले क्राइटेरिया में मोर देन ट्वेंटी परसेंट है और इनकम uh, वाले क्राइटेरिया में एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट और मोर है हाँ जी आप सब लोग सही सही पार्टिसिपेट करते जा रहे हो अब कुछ सवाल पूछूंगा जवाब आप दोगे और सब्सटैंशली द होल भी नीचे बताया गया है ये तो हो गई आपकी अंडरटेकिंग अब अंडरटेकिंग का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि अंडरटेकिंग क्या होती है वो आपको समझ में आ गया, गया यहाँ पर कि इस यूनिट को अंडरटेकिंग माना जाएगा अब सब्सटैंशली द होल क्या मतलब होता है अंडरटेकिंग का नाइन्टी परसेंट अंडरटेकिंग का नाइन्टी फाइव परसेंट इसशियली होल वेल लॉ मेकर कहते हैं नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं चाहिए नाइन्टी नाइनटी फाइव परसेंट को नहीं मानते वेल uh, कहाँ से शुरू हो जाते हैं एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दट ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा दैट इज कॉल्ड एज द होल ऑफ द अंडरटेकिंग तो किसी भी अंडरटेकिंग का एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा इज सब्सटेंशली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से आपकी कंपनी की नेटवर्थ है आपकी कंपनी की नेटवर्थ है छ सौ करोड़ टोटल नेटवर्थ आपकी कंपनी की टोटल नेटवर्थ है छ सौ करोड़ तो अंडरटेकिंग में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए ये मुझे बता दो अंडरटेकिंग में क्राइटेरिया वन के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए कि आप उसको अंडरटेकिंग मान लो यूनिट में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए कि आप उसको अंडरटेकिंग मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऑलरेडी कि जी आपकी टोटल नेटवर्थ जो है ना वो छः करोड़ है अब बताओ कि अंडरटेकिंग में कितना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए कि उसको या यूनिट में किसी पर्टिकुलर यूनिट में कितना पैसा लगा होना चाहिए कि उसको अंडरटेकिंग मान लिया जाए रुपी टर्म्स में बताना एग्जैक्ट रुपीज वन ट्वेंटी करोड़ या मोर देन रुपीज वन ट्वेंटी करोड़ ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस एग्जाम क्वेश्चन है एक सौ बीस करोड़ एग्जैक्ट रुपीज वन ट्वेंटी करोड़ या मोर देन ट्वेंटी परसेंट भाई आपके सामने लिखा है अभी तो हटाया नहीं है स्क्रीन से मोर देन थर्टी परसेंट एक्जैक्ट वन ट्वेंटी करोड़ पर अंडरटेकिंग नहीं माना जाएगा एक सौ इक्कीस करोड़ लगा हुआ है तो आप कहोगे कि अंडरटेकिंग है तो ट्वेंटी परसेंट तो आपको खैर कैलकुलेट करना ही है कि वन ट्वेंटी करोड़ है और क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में कि कंपनी में तीन फैक्ट्रीज हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ वन एफ टू एफ थ्री कंपनी में तीन फैक्ट्रीज हैं और F1 के अंदर लगा हुआ है 128 करोड़ तो ये अंडरटेकिंग है या नहीं है F1 में लगा हुआ है 128 करोड़ तो इसको अंडरटेकिंग माने या ना माने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स F1 सेल करना चाहते हैं बी ओडी वॉन्ट टू सेल एफ वन चलिए ये सबको समझ में आ गया कि मोर देन 120 करोड़ है बीओ डी वॉन्ट टू सेल तो क्या well, uh, क्या बीओडी को स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा एस आर इज रिक्वायर्ड यस और नो क्या बी ओडी को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा yes or no? answer आ रहे हैं, मेरे पास लाइन लगाकर ये अब एक सवाल और पूछने जा रहा हूं एग्जामिनेशन क्वेश्चन अंडरटेकिंग के बारे में ही बात हो रही है मान लीजिए कि आपकी अंडरटेकिंग में आपने इन्वेस्ट किया हुआ दो सौ करोड़ आपकी अंडरटेकिंग में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है दो सौ करोड़ तो वल्ला सब्सटेंशली द होल के लिए आप क्या बोलोगे सब्सटेंशली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग में कितना लगा होना चाहिए आपका अगर आपकी अंडरटेकिंग में 200 करोड़ है लगा हुआ है और मान लो कि एफ वन में ही 200 करोड़ लगा हुआ है एफ वन में 200 करोड़ लगा हुआ है बी ओडी पूरी एफ वन नहीं बेचना चाहते हैं एफ वन का एक सब्सटेंशियल पार्ट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया कितना है दो सौ करोड़ में से कितना जिसको आप कहोगे सब्सटेंशली द होल रुपी टर्म्स में बताना शली द होल रुपी टर्म्स में कितना कितने रुपज करोड़ कितने करोड़ रुपए की बात हो रही है एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट भी चलेगा एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द अंडरटेकिंग आंची बताना एक बार फटाफट अगर मैं कहूं एग्जैक्ट रुपीज फोर्टी करोड़ लगा हुआ है एग्जैक्ट रुपीज फोर्टी करोड़ तो चलेगा क्योंकि यहां पर लॉ मेकर ने लिखा है एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ मोर देन फोर्टी चाहिए या एग्जैक्ट फोर्टी से भी चल जाएगा तो कुछ लोग कह रहे हैं मोर देन फोर्टी करोड़ कुछ लोग कह रहे हैं एग्जैक्ट फोर्टी करोड़ और मोर तो एग्जैक्ट फोर्टी करोड़ से चल जाएगा यस चलिए बढ़िया 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 थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस सर चलेगा तो बिल्कुल चलाते हैं ऊपर जो अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट थी वल वहाँ जो क्राइटेरिया वन में वो मोर देन ट्वेंटी परसेंट था लेकिन नीचे जो सब्सटेंशियली का होल है वो एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट भी चलेगा अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा जरा आपकी कंपनी के पास छः है यूनिट्स हैं ये सर नो में आंसर देना फटाफट आपकी कंपनी के पास छः यूनिट्स हैं और इन्वेस्टमेंट आपको बता रखी है एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ और यूनिट्स आपको बता रखा है विल्ला जनरेटिंग स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी वल्ला की टोटल परसेंटेज इनकम कितना जनरेट हो रहा है और परसेंटेज नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट कितना है वो बता रखा है आपको आपको सिर्फ ये बताना कि अंडरटेकिंग इस यूनिट को अंडरटेकिंग माने या नहीं माने यूनिट वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव यूनिट सिक्स छः यूनिट्स हैं इनको अंडरटेकिंग माने या ना माने तो यूनिट वन में आपकी कंपनी का लगा हुआ है सेवन परसेंट ऑफ नेटवर्थ और वो यूनिट वन जनरेट कर रही है टेन परसेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी तो यूनिट वन को अंडरटेस और नो में आंसर दीजिएगा फटाफट 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 ये और नो यस और नो यसर नो येसर नो जल्दी 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 अगर आपने आंसर नो no दिया है तो सही है और अगर आपने आंसर यस yes दिया है तो गलत है तो क्लियर है नंबर वन के लिए नो यूनिट टू में आपकी कंपनी का लगा हुआ है थर्टीन परसेंट ऑफ नेटवर्थ इन्वेस्टेड है और यूनिट टू में वेल जनरेट हो रही है टोटल ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी तो यूनिट टू आंसर इज यस और नो यूनिट टू आंसर इज यस और नो नंबर वन का तो आपने आंसर दे दिया नो 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 नंबर टू का आंसर दीजिए अब हाँ जी नेटवर्थ तो ट्वेंटी परसेंट से कम है लेकिन टोटल इनकम का ट्वेंटी परसेंट यहाँ से जनरेट हो रहा है तो ज़र से आंसर चले आ रहे हैं यस सर यूनिट टू के लिए यस yes. अब फटाफट आगे बढ़ते हैं यूनिट थ्री के लिए आपकी कंपनी का टोटल ट्वेंटी सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी का टोटल ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ नेटवर्थ लगा हुआ है ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ टोटल नेटवर्थ ऑफ़ द कंपनी यूनिट थ्री में लगा हुआ है लेकिन बंद पड़ी है शट डाउन हो गई है और पिछले साल काम ही नहीं हुआ इसमें शट डाउन है जीरो इनकम है शट डाउन हो गई है फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा हुआ है शटर डाउन है तो यूनिट थ्री का बताना आप मुझे येस और नो यस और नो यूनिट थ्री का बताओ मुझे इसको क्या माने अंडरटेकिंग है या नहीं है येस और नो जीरो इनकम इनकम जीरो मतलब जो फैक्ट्री बंद पड़ी है पांच साल से फैक्ट्री बंद पड़ी है बहुत बड़ी फैक्ट्री थी हमारी बंद पड़ी है पांच साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस फैक्ट्री को बेचना चाहते हैं तो क्या एस पास करवाना पड़ेगा पहले शेयर अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस फैक्ट्री में कोई काम भी नहीं हो रहा जिस फैक्ट्री में लंबी लंबी घासें हो गई है मशीनों के ऊपर जंग लग गई है क्या उसके लिए भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा तो आंसर इज यस किसी ने सवाल पूछा है सर पॉइंट नंबर टू में ऊपर यस कैसे तो भाई वो इनकम तो देखते हैं ना एक्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल इनकम मोर देन ट्वेंटी परसेंट थोड़े ना देखते हैं उसमें इनकम लेवल का तो एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट देखते हैं नेटवर्थ में मोर देन ट्वेंटी परसेंट देखते हैं इनकम लेवल में एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट देखते हैं आई होप गेटिंग दैट समझ में आ गई ना बात देन गोइंग ऑन फर्दर तो सर इन्वेस्टमेंट हैवी है छब्बीस परसेंट है तो इसलिए यस चलिए नंबर फोर नेटवर्थ का चार परसेंट लगा हुआ है दस परसेंट इनकम जनरेट हो रही है तो यहाँ तो आंसर नो ही है आपको मालूम है दोनों क्राइटेरियाज़ के नीचे है थर्टी परसेंट ऑफ नेटवर्थ लगा हुआ है फोर्टी सिक्स परसेंट ऑफ टोटल इनकम है तो यहाँ पर तो आंसर ये सही है ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है यस सर नो नंबर सिक्स बताइएगा मुझे नंबर सिक्स ये क्वेश्चन आपके लिए है नंबर फाइव में तो कुछ लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया था जब नंबर टू पूछा था सर नंबर फाइव का आंसर येस है सर जब मैंने पूछा भी नहीं था तनु को प्रॉब्लम हो रही है सिचुएशन टू में सर नेटवर्थ uh, का थर्टीन परसेंट लगा हुआ है सर यूनिट में आप उसको अंडरटेकिंग कैसे बोल रहे हो सर ये यस yes, नहीं होना चाहिए ये नो होना चाहिए तनु प्रॉब्लम क्या है आपको मतलब दोनों क्राइटेरिया थोड़े ना फुलफिल करने हैं आपको बीच में और लिखा है ना लॉ में करने क्राइटेरिया वन और क्राइटेरिया टू दोनों में से एक फुलफिल कर दो क्राइटेरिया टू फुलफिल हो रहा है तो अंडरटेकिंग है आपको दोनों समझ में आ गई बात तो गिव मी अ थम्स अप आपकी सुई अटकी हुई है वहीं उसके ऊपर आपकी आप आप उसी के ऊपर कमेंट डाले जा रहे हो बार बार चलिए नंबर सिक्स में आंसर इज येस और नो नंबर सिक्स तो बहुतों के आंसर आ रहे हैं नो 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 और कुछ के आंसर बीच में येस भी आए हैं तो आंसर इज फाइनली नो और नो क्यों है उसका रीजन है यहां पर वो एग्जैक्ट ट्वेंटी परसेंट से काम नहीं चलता मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ नेटवर्थ होना चाहिए हाँ जी शिवम ने आंसर दे दिया नॉट मोर देन ट्वेंटी सर एग्जैक्ट ट्वेंटी से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है और मोर देन ट्वेंटी होना चाहिए था बिल्कुल सही आपने दे दिया है तो तनु कह रही है अच्छा सर अच्छा समझ में आ गया सर अब फाइनली चलो अच्छा है फाइनली एग्ज़ाम में जाने से पहले समझ में आ जाना चाहिए सेशन चलते हुए तो एग्ज़ाम में तो सही हो ही जाएगा ना फाइनली चलिए ऑल दी बेस्ट एंड देन गोइंग ऑन फर्दर इन टू दिस तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर अच्छा नेटवर्थ का मतलब तो किसी ने बताया नहीं सर नेटवर्थ होती क्या है यह तो बता दो नेटवर्थ क्या होती है तो नेटवर्थ मीन वॉट एग्जाम में आपको हो सकता है नेटवर्थ दे ही ना आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी हो आपको बैलेंस शीट पकड़ा दी जाए बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर जिससे आप नेटवर्थ निकाल रहे हो तो उसमें पेड अप कैपिटल लेना है फ्री रिजर्व लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लेना है नोशनल तो रिजर्व नहीं लेने हैं एक्सक्लूडिंग आपको कोई स्पेसिफिक रिजर्व जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं कैपिटल रिडम्शन रिजर्व डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व वो नहीं लेने हैं सी आर आर नहीं लेना है डी आर आर नहीं लेना है नोशनल रिजर्व वगैरह हैं वो नहीं लेने आपको अगर मान लीजिए कोई रीवेल्युएशन रिजर्व बनाया गया तो वो नहीं लेना आपको मतलब जेन्युन प्रॉफिट से जो जेन्युन रिजर्व बनाए गए हैं वो लेने हैं बस आपको माइनस विल्ला और, और इसके अलावा आपके पास पीनल क्रेडिट बैलेंस है एक्यूमलेटेड हैं हैंटेड प्रॉफिट्स वो सब लेना है एग्जाम में पकड़ा देंगे बैलेंस शीट कैलकुलेट करवाएंगे आपसे और कहेंगे नेटवर्थ देख लो जी कितनी है और फिर उसके हिसाब से ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट कर लो या मोर देन ट्वेंटी परसेंट वो कैलकुलेट कर लो और फिर इसमें से अब माइनस क्या करना है अब ये जो भी टोटल आएगा इसमें से माइनस क्या करना आप्यूमलेटेड लॉसेस इफ एनी वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन होगा या तो एकटेड प्रॉफिट होंगे या तो एकटेड लॉसेज होंगे जिसको आप कहते हो प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस आपके प्री इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं नॉट रिटर्न ऑफ सो फार तो माइनस कर दीजिए तो फिर लास्ट में जो बचेगा वो आपका नेटवर्थ है इसी तरीके से आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में और बैलेंस शीट पकड़ा देंगे और कहेंगे कैलकुलेट कर लो उसके हिसाब से फिर आप देखना कि टोटल नेटवर्थ कितनी है आपको F1, F2, F3 तीन फैक्ट्रीज़ दे देंगे और कहेंगे कि पर्टिकुलर फैक्ट्री में F1 के अंदर इतना पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है अब आप देख लो कि आप वल क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो वो अंडरटेकिंग है अगर क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं कर रहे क्राइटेरिया से नीचे ही रह गए लेस देन आपकी फैक्ट्री की वैल्यू लेस है ऑफ द फैक्ट्री ऑन विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल अगर well, uh, 20 या 20 वाला क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हो रहा अब जैसे मैंने ही यहां पर लिया था वेल well, ऑबियसली वो जो आपने टेबल में इतनी सारी चीजें देख ली अगर आपकी फैक्ट्री की वैल्यू नीचे है तो जहां पर जैसे आंसर आएगा नो no, जहां आंसर आएगा नो no, तो उस नो no का क्या मतलब है ऐसी कोई फैक्ट्री बेचनी है ऐसी कोई यूनिट बेचनी है जहां पर आपका आंसर नो no है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर आंसर नो no होगा तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड जहां पर आपका आंसर नो no है और जहां पर आपका आंसर येस yes है यूनिट टू देन आल से यूनिट थ्री एंड देन यूनिट फाइव तो ये यूनिट टू यूनिट थ्री और यूनिट फाइव इन तीनों केसेस में यूनिट बेचने से पहले या फिर यूनिट का सबस्टेंशियल पार्ट बेचने से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स चाहिए बाय पासिंग द एस लेकिन जहां कहीं पर भी आंसर नो no होगा वहां पर ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन गिव मी अ अप समझ में आ गया ना शिवम सिंह की सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दो वो भी करवा दूंगा अभी रुक जाओ सरा रुक जाओ रुक जाओ तो 180 एटी विल से पहले सेक्शन निपटा लें हम फिर उसमें भी आ जाएंगे तो 180 एटी सेक्शन वन क्लॉज ए समझ में आ गया क्लॉज बी वन एटी सेक्शन वन क्लॉज बी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक नंबर का वन मार्क एग्जाम क्वेश्चन और उसमें बस यही पूछा गया कि बताओ जी शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए और कहानी बड़ी सीधी है कि अमलगमेशन की स्कीम में अरेंजमेंट की स्कीम में अमलगमेशन रीकंस्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन की स्कीम में हमारी कंपनी को कुछ कॉम्पनसेशन मिला है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिला है हमारी कंपनी को और हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में नहीं ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ तो एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट होते हैं तो हमारी कंपनी को किसी पर्टिकुलर स्कीम ऑफ अमल में कोई कॉम्पनसेशन मिला है अब बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं तो रेगुलर uh, बैच में इस पॉइंट के ऊपर पंद्रह मिनट लगा देता हूँ पूरा वो एक डायग्राम होता है समझाता हूँ एंड उन सब चीज़ों में जाते हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट राइट नाउ अभी फिलहाल सिर्फ इतनी बात हो रही है स्टेप नंबर वन हमारी कंपनी को कॉम्पनसेशन मिला है इन द स्कीम ऑफ अमल इन द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सिचुएशन विल स्टेप नंबर टू हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो कॉम्पनसेशन का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं समवेयर इन द स्टॉक मार्केट अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज स्टेप नंबर थ्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज करना चाहते हैं जो कॉम्पन मिला है ट्रस्ट सिक्योरिटी होल्डर्स अप्रूवल नहीं चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए आई होप एवरी गॉड दिस एक नंबर का वन मार्क एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है

जो पैसा बोरो करना चाहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पैसा बोरो करना चाहते हैं प्रपोस्ड बोरोइंग अलॉन्ग विद द एग्जिटिंग बोरइंग ऑलरेडी डन बाय द कंपनी वेल इट इज गोइंग टू एक्सीड इट इज गोइंग टू जम्प द लिमिट ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर्स प्लस सिक्योरिटी अकाउंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रपोस्ड बोरोइंग करने से पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और इसमें आप वेल क्या एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग्स में आप क्या नहीं लेंगे बोरोइंग्स में आप टेम्पररी लोन्स नहीं लेंगे जो कंपनी ने अपने खुद के बैंकर से लिए हैं, जहां पर कंपनी का बैंक अकाउंट है इन दर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना सही बता रहा हूं धमकी दे रहा हूं मैं धमकी दे रहा हूं गड़बड़ मत कर देना तो टेंप्रेरी लोन सिर्फ कौन सा वाला एक्सक्लूड करना है आपको वो टेम्प्रेरी लोन जो कंपनी ने अपने खुद के बैंकर से लिया है मतलब जहां पर कंपनी का बैंक अकाउंट है करंट अकाउंट है बिजनेस अकाउंट है और वो भी कंपनी ने लिया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो टेम्पररी लोन आपको काउंटिंग में काउंट नहीं करना अब टेम्प्रेरी लोन को अगर डिफाइन करें तो टेम्परेरी लोन क्या होता है टेम्परेरी लोन मीन्स हांजी टेम्परेरी लोन मीन्स द लोन विच इज याद है इज रिपेबल ऑन डिमांड और लोन विच इज रिपेबल विद इन मैक्सिमम सिक्स मंथस तो आप कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कर रहे हैं टेम्पररी लोन्स मीन्स ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग लेकिन फिर टेम्परे लोन डज नॉट इंक्लूड टेम्पररी लोन में क्या नहीं आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेम्प्रेरी लोन में क्या नहीं आता है टेम्पररी लोन डज नॉट इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड द लोन टेकन फॉर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर द लोन taken फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर the लोन taken फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर याद है वन ईयर मत कर देना एग्जाम में कुछ लोग गलत लिख रहे हैं मैं तो प्रेज्यूम कर रहा हूं सबको ऑलरेडी पहले से ही आता है हांजी तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग बोरिंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरिंग्स और ये मिलाकर जंप होने जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में बैंक लोन पीएफआई लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट्स सब आ गया इसके अंदर और प्रपोज बोरिंग्स में भी एनी टाइप ऑफ प्रपोज बोरिंग्स सब मिलाकर जंप होने जा रहा है एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीजर्स प्लस सिक्योरिटी अकाउंट तो फिर उस केस में वेल प्रपोज uh, बोरिंग करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू ऑपटेन द प्रायर अप्रूवल बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर मेकिंग द प्रपोज बोरिंग याद है ना सबको अब सुनो जरा ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चन आया आपकी कंपनी की पेड ऑफ कैपिटल है 100 लाख फ्री रिजर्व हैं 50 लाख सिक्योरिटी पर अकाउंट है 25 लाख एग्जाम क्वेश्चन है टोटल सब मिलाकर है 175 लाख सब मिलाकर क्या है 175 लाख एग्जिस्टिंग बोरिंग्स जो कंपनी ने ले रखी हैं वेल इन बोरिंग्स में दो तीन चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग बोरिंग्स में जो लॉन्ग टर्म ली हुई हैं जो लॉन्ग टर्म ली हुई हैं वो हैं एक लाख जो पुरानी चली आ रही हैं वन फिफ्टी लाख जो लॉन्ग टर्म ली हुई है जो शॉर्ट टर्म ली हुई हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो है ट्वेंटी फाइव लाख शॉर्ट टर्म फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है ट्वेंटी फाइव लाख या सॉरी 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 ये है आपकी लॉन्ग टर्म वाली है वन हंड्रेड लाख और जो शॉर्ट टर्म ली हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो है ट्वेंटी फाइव लाख और जो प्रपोज बोरिंग्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं वेल और उसके अलावा अच्छा एक चीज और भी दी हुई है अदर शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो भी हैं that is also 25 लाख दैट इज आल्सो 25 लाख और अब जो नई बोरिंग्स करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो करना चाहते हैं सिक्सटी लाख तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए येस और नो में आंसर देना है आपने यस और नो जो प्रपोज करना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो पुरानी वाली अगर आप कहते हो फटाफट -फड़ येस और नो में आंसर दो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए एक सौ पिछहत्तर लाख की तो आपकी एग्रीगेट लिमिट है तो आंसर इज येस 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 यस सबके आंसर आने शुरू हो गए चाहिए सर येस yes, चाहिए 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 चलिए वेरी गुड तो ये हंड्रेड लैक्स वाला पुराना काउंटिंग में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे सर शॉर्ट टर्म लोन लिया है शॉर्ट टर्म लोन लिया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ये भी पच्चीस लाख काउंटिंग में काउंट होगा येस अदर जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं ये ना लॉ मेकर ने ना लॉ में बताया नहीं कि सॉरी पेपर सेटर ने पेपर सेटर ने पेपर में नहीं बताया कि जो अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग है पच्चीस लाख ये किससे ली है तो क्या हम क्या हम प्रज्यूम करेंगे ओन बैंक से ली हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है अगर एग्जाम में ये दिया भी हो कि ओन बैंकर से लिया है फ्रॉम ओन बैंकर और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो तो इसको काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे तो भी पुराना वाला 125 लाख और 60 लाख और है आई होप गेटिंग दिस तो 185 हो गया हाँ जी आपने बिल्कुल कैलकुलेशन करके बता दिया अब मैं अगर यहाँ फिगर ही चेंज कर दूँ जो पुराना वाला 25 लाख है वो ओन बैंकर से लिया और ये जो शॉर्ट टर्म लिया हुआ है ये 15 लाख लिया हुआ है ये शॉर्ट टर्म लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया हुआ है पंद्रह लाख इस केस में बताओ अब सिचुएशन चेंज कर दी मैंने बिल्कुल कि पुरानी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये नहीं आया था एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन वो आया था जिसका आंसर आपने दे दिया ऑलरेडी मैंने फैक्ट्स चेंज कर दिए हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग जो ओन बैंकर से लिए हैं ऑडे कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया है ओन बैंकर से लिया है फॉर सिक्स मंथ्स वो पच्चीस लाख है तो वो तो आप काउंटिंग में काउंट नहीं करोगे और ये जो शॉर्ट टर्म लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया है हम कहते हैं टेम्प्रेरी लोन में वो उसको टेम्प्रेरी लोन नहीं माना जाता इवन इफ द टेन्योर इज लेस देन सिक्स मंथ्स सो so, मेरे पास आंसर आ गया कि सर अब तो सब जोड़कर हंड्रेड लाख प्लस फिफ्टीन लाख प्लस सिक्सटी लाख सब जोड़ कर सर एक सौ पचहत्तर लाख हो रहा है और एक सौ पचहत्तर लाख की लिमिट के अंदर है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए बस एग्ज़ाम में यही ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना है? ये एग्ज़ाम क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको साथ साथ तो आपको समझ में आ गया एंड वन लास्ट लाइन अबाउट ओवर हेयर सेक्शन वन एट्टी के बारे में एक आखिरी लाइन तो सेक्शन वन एटी तो समझ में आ गया आपको और साथ में एग्ज़ाम क्वेश्चन भी हो गया आपका हाँ जी लिमिट के अंदर है तो नो नीड ऑफ एसर और ये भी क्लॉज डी एग्जाम में क्वेश्चन आया था टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट फ्रॉम डायरेक्टर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो अगर कंपनी uh, ने पहले डायरेक्टर को लोन दिया था मान लो पाँच साल के लिए फाइव इयर्स लोन ट एनी पाँच साल के बाद उसको रीपे करने का विल uh, रीपे करना था रीपे करने का दिन आने वाला है एक महीना रहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास कर रही जाओ हमने तुम्हें दो साल की एक्सटेंशन दी वी गिव यू टाइम का मतलब एक्स्ट्रा टाइम हमने तुम्हारा टेन योर पांच साल का बढ़ाकर फाइव ईयर्स प्लस टू ईयर्स कर दिया सेवन ईयर्स कर दिया तो शुरू करने जा रहे हैं अब आगे यस तो शुरू कर रहे हैं आगे सेक्शन वन एटी वन और सेक्शन वन एटी वन जब आगे बढ़ रहे हैं पावर टू कॉन्ट्रीब्यूट बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स के लिए बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक लिमिट के ऊपर जाएंगे तो फिर उस केस में क्या रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूट बोनाफाइड टू द चैरिटेबल फंड चैरिटेबल फंड्स अदर फंड्स भी फॉर चैरिटी अदर फंड्स फॉर चैरिटी अपने एम्प्लॉयज़ के फायदे के लिए नहीं अपने एम्प्लॉज के फायदे के लिए नहीं आउटसाइडर्स के फायदे के लिए चैरिटी के लिए सो वेल्ला इफ आई पोटेड ओवर हेयर सेक्शन वन एटी वन कहता है वेल्ला इफ टोटल अमाउंट ऑफ द चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज ऑल कंपनीज ना दिस इज ऑल कंपनीज़ पब्लिक कंपनीज़ प्राइवेट कम्पनीज ऑल कंपनीज़ इफ टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन चैरिटेल कॉन्ट्रीब्यूशन परपोज टू भी मेड टू फंड नॉट कनेक्टेड विद द कमनी नॉट कनेक्टेड विद एम्प्लॉज एक ऐसा चैरिटेबल फंड होना चाहिए जो ना तो कंपनी के फायदे के लिए हो ना ही कंपनी के एम्प्लॉज़ के फायदे के लिए हो तो कौन सा फ़ंड होना चाहिए चैरिटेबल फंड ऊपर लिखा यह चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ चैरिटेबल फंड अगर कंपनी दे रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे रहे हैं और वो कितना दे रहे हैं मोर देन फाइव परसेंट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर्स पिछले तीन साल का जो आपका एवरेज नेट प्रॉफिट है उसके उसके पाँच परसेंट तक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद देंगे मोर देन फाइव परसेंट देना है देन इट इज़ कंपलसरी फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑपटेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बिफोर जंपिंग द लिमिट ऑफ फाइव परसेंट फाइव परसेंट के लिमिट जंप करने से पहले याद होगा ना सबको अब मैं एग्जाम क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ दो तीन दो तीन एग्जामिनेशन क्वेश्चन आने जा रहे हैं यहां पर आप लोगों के लिए ध्यान से सुनते जाइएगा जरा तो अब एग्जाम क्वेश्चन के ऊपर आंसर दीजिएगा मुझे जस्ट सेक लेट मी क्रिएट सम स्पेस फॉर माई सेल्फ अभी आपका फाइनेंशियल ईयर आजकल चल रहा है 2023-2024 तो इसी से कनेक्ट कर लेते हैं दिस इज योर करंट फाइनेंशियल ईयर गोइंग ऑन इससे पहले वाले तीन प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयरस हाँ वेल दैट इज बाईस तेईस या 21 बाईस और बीस इक्कीस और आपको यहां पर प्रॉफिट्स या लॉसेस बताए जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि जी बताइए सेक्शन 181 में चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हम कितना दे सकते हैं ये तो हो गया आपका करंट फाइनेंशियल ईयर ये हो गया आपके प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर्स और वो फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और फिर चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम देना चाहते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके बारे में बात करेंगे जस्ट आप सुनो जरा ध्यान से वेल बीस इक्कीस में प्रॉफिट कमाया कंपनी ने दस करोड़ इक्कीस बाईस में आठ करोड़ और बाईस तेईस में बारह करोड़ फिगर्स आर गिवन ये कंपनी के पास प्रॉफिट्स है. so हैं सो दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी जिसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट्स दीज आर द नेट प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट और आपको क्या बोला जा रहा है कि कंपनी अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं कुछ एक करोड़ रुपए वेल रुपीज वन करोड़ दे वांट टू गिव एज चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। तो क्या बीओडी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हैं या क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा क्या एस चाहिए होगा दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू हाँ जी सो वट इज योर आंसर ऑन दिस तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर लें फटाफट फड़। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं थर्टी करोड़ थर्टी करोड़ डिवाइडेड बाय थ्री थर्टी करोड़ डिवाइडेड बाय थ्री एंड दैट इज हाउ मच रुपीज करोड़ एवरेज नेट प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट तो मतलब हाउ मच रुपीज फिफ्टी लाख पचास लाख आता है सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही काम चल जाएगा एक करोड़ देना है या बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस एसआर दोनों चाहिए ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस एस आर सॉरी ओ आर नॉट एस आर ओ आर देर आरस अ क्वेश्चन फॉर यू ये रुप जीरो पॉइंट सेवन फाइव करोड़ कहां से आया बीच में कुछ लोग कुछ अलग ही कहानी लिख रहे हैं मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हाँ जी ओनली बी आर या बी आर प्लस ओ आर पचास लाख किलोमीटर जंप कर रहे हो तो ब्रेक आई होप ब्रेक में सो नहीं गए आप सब लोग जाग रहे हो ना दिमाग जाग रहा है ना कुछ सही आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास कुछ गलत भी आ रहे हैं कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं सेक्शन में लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी इफ टोटल अमाउंट ऑफ द चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रपोज टू बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ग्रेटर देन फाइव पर्सन ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर्स देन इट इज़ कंपलसरी फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑप्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो सिर्फ बी से काम नहीं चलेगा पांच परसेंट की लिमिट के ऊपर जा रहे हैं फाइव परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री इयर्स देन यू नीड द वेल बी प्लस ओ बोथ सो दैट द फाइनल आंसर बी भी चाहिए प्लस प्रायर ओ चाहिए एक करोड़ प्रायर शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय ओ अंडर सेक्शन वन हाँ जी अब जाग गए हैं सब लोग अब सुनो जरा क्वेश्चन नंबर टू पूछने जा रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन टू एंड द फिगर्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर वेल यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट रुपज बीस इक्कीस में प्रॉफिट कमाया बारह लाख यहाँ पर इक्कीस बाईस में प्रॉफिट कमाया छ लाख रुपीज सिक्स लाख और यहाँ पर कंपनी लॉसेस में है लेकिन क्वेश्चन पेपर में बताया नहीं कितने लॉसेस क्वेश्चन पेपर में ये तो बताया है कि लॉसेस में हैं लेकिन क्वेश्चन पेपर में अमाउंट नहीं बताया कि लॉस कितना है प्रपोज चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं रुपीज़ सिक्सटी थाउजेंड साठ हज़ार का प्रपोज ज़्यादा नहीं देना चाहते सिर्फ साठ देना चाहते हैं तो साठ हजार देने के लिए ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दोनों चाहिए यही बताना है आपको बस हाँ जी सर ये तो कंफ्यूज हो गए सर लॉस कितना माने सर एक लाख रुपए दो लाख रुपए तीन लाख रुपए चार लाख रुपए पांच लाख रुपए आईसीएस ने माना था लॉस दो लाख रुपए का आई ने जो माना था प्रज्यूम द लॉस इज टू लाख रुपए या थ्री लाख रुपए कुछ प्रज्यूम कर लिया उन्होंने अपना गाइडलाइन आंसर्स में जो दिया प्रज्यूम द लॉस इज थ्री लाख रुपए समथिंग लाइक दैट और उसके बेस पे कैलकुलेट कर लिया अगर मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस ही है जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है तो भी अगर मैं इन तीन सालों का अगर मैं ऐड करता हूँ अगर मैं तीन सालों का ऐड करता हूँ तो बारह और छह अट्ठारह लाख एटीन लाख डिवाइडेड बाय थ्री एटीन लाख डिवाइड बाय थ्री सिक्स लाख रुपीज सिक्स लाख का फाइव परसेंट दैट कम्स टू थर्टी थाउजेंड रुपीज और थर्टी थाउजेंड रुपीज है और आप देना चाहते हो सिक्सटी थाउजेंड रुपीज विच इज मोर देन थर्टी थाउजेंड तो समझ में आ रही कहानी अरे भाई बारह लाख प्लस मैथ्स ठीक होने चाहिए एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स ठीक होनी चाहिए और इसके लिए कैलकुलेटर तो नहीं चाहिए ना इतनी सिंपल मैथ्स के लिए लेकिन कैलकुलेटर लेकर जाना हो सकता है यहाँ पर फिगर कुछ ऐसी पकड़ा दे आपको कि फिर आपको लगे अच्छा वेल समथिंग लाइक फाइव लाख एटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ टू नाइन्टी फाइव रुपीज़ फिर बैठ के आप कैलकुलेटर कर रहे हो और एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ज़रूर ले जाना फिगर्स टेडी मेडी आ गई कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा और अगर यहां पर आपने कुछ भी लॉस ले लिया ये तो मैंने अभी जीरो लॉस लिया है आपने यहां पर लॉस ले लिया एक लाख रुपए दो लाख रुपए तो ये जो थर्टी थाउजेंड दिख रहा है ये तो और कम हो जाएगा अब ये क्लियर है दैट सिक्सटी थाउजेंड इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन रुपीज थर्टी थाउजेंड सो इफ इट इज ग्रेटर देन थर्टी थाउजेंड तो आपको फिर बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए आपको दोनों चाहिए दिस इज द आंसर क्लियर है ना गिव मी अ थम्स अप गिव मी अ थम्स अप उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देन आई से क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन थ्री ये है आपके लिए ये कंपनी गिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज टू गिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज टू गिव रुपीज फिफ्टी लैक इन द ग्रेचुटी फंड तो क्या सेक्शन वन एटी वन का करना पड़ेगा बी ओडी प्रपोज टू गिव rupees 50 lakh in gratuity fund to the employees in gratuity fund for benefit of employees benefit of employees of company so whether section 181 is applicable whether section वन एटी वन इज एप्लीकेबल और नॉट ये योर आंसर क्या वन एटी वन अप्लाई होता है तो जर से आंसर चले आ रहे हैं सर नो सर नो सर नो सर नो सर, नो सर तो बहुत बढ़िया क्योंकि वन एटी वन में जब बात होती है तो वन एटी वन में किसकी बात होती है वे ला पब्लिक की बात होती है चैरिटी की बात होती है चैरिटेबल कोई स्कूल है चैरिटेबल हॉस्पिटल है चैरिटेबल फंड है एंड नॉट कनेक्टेड विद द कंपनी नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉज ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज़ के फायदे के लिए तो काउंटिंग में काउंट नहीं होगा चलिए यहाँ पर हमारा सेक्शन वन एटी वन कम्प्लीट और वन एटी वन के साथ साथ वन एटी वन के एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए आपके